आज मैं बनाने वाली हूँ आलू गोभी की सब्जी को एकदम नए तरीके से। इसे बनाना होगा बहुत ही आसान और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनने वाली है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे गोभी को मोटा मोटा टुकड़ों में तोड़ लिया है। तोड़ने के बाद मैं इसको आधे घंटे नमक के पानी में भिगा के रखूंगी, जिससे इसके अंदर जो भी कीड़े होंगे सारे के सारे मर जाएंगे। यहाँ पे मैंने पानी लिया है, इतना पानी लेना है कि गोभी हमारे अच्छे से डूब जाए, और उसमें थोड़ा सा एक चम्मच नमक डाल दिया है और इसमें गोभी डाल के इन्हें अच्छे से हाथों से भिगा लेंगे और उसके बाद ढक के आधा घंटे रख देंगे। और यहाँ पे मैंने लिए हैं दो आलू, आलू को छील लेंगे। आलू को छीलने के बाद अच्छे से धो लिया है और धोने के बाद इन्हें मैंने मोटा मोटा काट लिया था। और यहाँ पे मैंने सब्जी बनाने के लिए कढ़ाई चढ़ा दी है और उसमें डाल देंगे 2 बड़े चम्मच से तेल। तेल डालने के बाद मैंने इसमें डाल दिया है 1 चम्मच जीरा। जीरे को अच्छे से चटकने तक भून लेंगे और इसमें डाल देंगे आलू। आलू को 1 मिनट चलाते हुए पका लेंगे। आलू गोभी को हमें साथ में नहीं डालना है, आलू को हल्का सा कुक कर लेना है, उसके बाद हमें इसमें गोभी ऐड करनी है। आलू ज़्यादा टाइम लेता है पकने में और गोभी थोड़ा कम टाइम लेती है, नहीं तो गोभी हमारी पूरी गल जाएगी। अभी मैंने गोभी भी डाल दिए हैं, दोनों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद इन्हें 1 मिनट ढक के पका लेंगे, बीच में हमें इसे चेक करते हुए पकाना है। मैंने यहाँ तेल की क्वांटिटी थोड़ा कम रखी है, आप ज़्यादा रखें, आप अपने हिसाब से ज़्यादा कम लगा सकते हैं, क्योंकि मैं तेल थोड़ा कम खाती हूँ इसलिए मैंने कम रखी है। अगर आप इसे और ज़्यादा टेस्टी बनाना चाहते हैं तो थोड़ी तेल की क्वांटिटी ज़्यादा रखें। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक मोटा मोटा प्याज काट रखा था, उसके साथ ही 2 हरी मिर्च को लंबे स्लाइसेस में काट रखी थी, इन्हें भी इसमें डाल देंगे। और थोड़ा सा नमक, बहुत ही कम नमक अभी हमें इसमें ऐड करना है, और उसके बाद इसे अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर के लिए ढक लेना है। अब मैं यहाँ पे चेक कर लूंगी आलुओं को कि आलू हमारे अच्छे से कुक हुए नहीं हुए। आलू हमारे अच्छे से पक चुके हैं और अब मैं इसमें डाल दूंगी टमाटर की प्यूरी। टमाटर को यहाँ पे मैंने बॉईल करने के बाद उसकी प्यूरी बनाई थी और यहाँ पे मैंने टमाटर की प्यूरी डाल दी है। और अब डाल देंगे नमक। डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 1 मिनट ढक के पका लेंगे। एक मिनट हो चुका है और अब मैंने इसे चेक कर लिया है। आप देख सकते हैं सब्जी हमारी बहुत ही अच्छे से बनके रेडी हो चुकी है। अब मैं इसमें डाल दूंगी मसाले। मसाले यहाँ पे मैंने बहुत ही बेसिक मसालों का यूज़ किया है, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर। अब मसालों को भी अच्छे से भून के पका लेंगे। मैंने इसमें थोड़ा सा कम ऑयल का यूज़ किया है, जिससे हमारे मतला लग रहा है। आप इसमें थोड़ा हल्का क्वांटिटी बढ़ा के ऑयल डालें, इससे टेस्टी भी लगेगी और ज़्यादा चिपकेगा भी नहीं। मसालों को भी मैं 1 मिनट ढक के पका लूँगी, जिससे मसाले मतलब पूरी सब्जी में मसाले हमारे अच्छे से पक जाएं। और ये देख सकते हैं आप, सब्जी हमारी बन के रेडी हो चुकी है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है खाने में और झटपट बन के रेडी हो जाती है। आप इसे रोटी के साथ और चावल के साथ खा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल पर